नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कपालभाति क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं कि कपालभाति क्रिया है क्या और किस तरीके से इसको किया जाए। कपालभाति को बहुत से योगी प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन प्राणायाम में काउंट नहीं होता है। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, षटकर्म का पाठ है। तो इस क्रिया को किस तरीके से किया जाए वो मैं आज आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको सेकंड के हिसाब से किस तरीके से किया जाए, यानी कि 60 सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर आपको 60 स्ट्रोक लगाने हैं। तो वो किस तरीके से लगाएंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वो प्लेस आपका समतल होना चाहिए और आपकी पोजिशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कमर आपकी बैंड नहीं होगी, चेस्ट ब्रॉड होगी। दोनों हथौड़ी ज्ञान मुद्रा इस तरीके से आप बैठ जाएंगे और श्वास नली का आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपको श्वास लेने में आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो किस तरीके से आपको करना है वो आप अभी देख लीजिए। इस तरीके से करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, फेस आपका बिल्कुल शांत रहेगा, आपके फेस के ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, चेहरा बिल्कुल तनाव रहित होना चाहिए, फेस के ऊपर आपके स्माइल होनी चाहिए। जब आप कपालभाति करते हैं तो आपका फेस के एक्सप्रेशन जो बिगड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत तरीके से मन को शांत रखते हुए आपको कपालभाति करना है। वो आप देखें किस तरीके से करते हैं। इनहेल करते हुए चेस्ट ब्रॉड रहेगी लंग्स के अंदर ताकि पूरी ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर प्योरीफाई होकर आपकी बॉडी में जा सके। इस तरीके हम स्ट्रोक लगाएंगे। इस स्पीड के साथ आप 60 स्ट्रोक लगाएंगे। अब इसी को आप जब डबल करना है तो इसको आप 120 कर लेंगे, यानी कि एक मिनट में आप 120 स्ट्रोक लगाएंगे। इसी स्पीड को आप थोड़ा और तेज कर देंगे इस तरीके से। डबल स्पीड से आप इस तरीके से इसको करेंगे। अब इससे भी ज़्यादा स्पीड से करना चाहे तो आपको किस तरीके से करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि इससे भी डबल स्पीड से आपने किया, वन मिनट के हिसाब से आपने 60 स्ट्रोक लगाए, उसके बाद आपने डबल किया तो आपके 120 स्ट्रोक हो गए। अब इससे भी फास्ट स्पीड से करेंगे तो आपको दोनों हाथों को इस तरीके से नी के ऊपर रख लेंगे। नी के ऊपर रखते हुए मैक्सिमम आपको एक्सहेल करना है। ये आपकी स्पीड रहेगी। तो आपने तीनों तरीकों से देखा कि किस तरीके से हमें कपालभाति को करना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग करते हुए आप 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे। जब आपकी कैपेसिटी अच्छे से बढ़ जाती है तो आप इसको 120 आपने किया, उसके बाद आपको 15 मिनट्स तक आप इसको रूटीन से कर सकते हैं। पोजिशन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, चेस्ट आपकी ब्रॉड रहनी चाहिए। आपके जब आप कर रहे हैं तो दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा होगी, उसके बाद जब आप इसको करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके इसका अभ्यास होने के बाद आप इसको 15 मिनट तक कर पाएंगे। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको सबसे पहले अब बताने जा रहा हूँ। बेनिफिट्स, यदि आपको खांसी, जुकाम, नज़ला और सर दर्द से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो आपकी कपालभाति से दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है कपालभाति की, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। लंग्स, आपका लंग्स हो गया, वो प्योरीफिकेशन करते हुए ऑक्सीजन अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर जाती है और आपके लंग्स प्योरीफाई होते हैं। तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है तो आपके लंग्स अच्छे से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महिलाओं को 30-40% लेडीज़ को आज के टाइम में सिस्ट की प्रॉब्लम है, सिस्ट की प्रो ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती है। अब 3 महीने इसको करते हैं तो आपको सिस्ट की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है।
और आप काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। और दूसरी बात, पीरियड से ड्यूरेशन में महिलाओं को पेन रहता है और अनियमितता, यानी कि रूटीन से जिस डेट पे आपके पीरियड्स आने होते हैं वो पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, तो इससे आप कपालभाति करने से आपके पीरियड्स भी टाइम से आने स्टार्ट हो जाते हैं और पेन जो होता है इस ड्यूरेशन में आपको पेन भी आपका कम हो जाता है। तो महिलाओं को ख़ास तौर पर इस कपालभाति को अच्छे तरीके से पूरी टेक्निक के साथ करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो ये इसके बेनिफिट्स है, आप धीरे धीरे अभ्यास के बाद इसको अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। यदि आपको कई बार क्या होता है, हाफ साइड का पेन रहता है, सरदर्द जिसको बोलते हैं हम, वो भी इससे धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। कपालभाति का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, कपाल मीन्स मस्तिष्क यानी कि माथा, भाति मीन्स चमक, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर चमक लेके आने वाला ये कपालभाति प्राणायाम है। तो ये आपके फेस पे ग्लो के साथ साथ आपकी 90% बीमारियों को आसानी के साथ दूर करता है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्ट्रोंग होता है तो आपकी 90 से 95% तक सभी बीमारियां धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप कपालभाति का करेंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जिन लोगों का फैट है, पेट बढ़ा हुआ है, वो कपालभाति करने से आपकी फैट, आपकी टमी की फैट जो है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है और आपका पेट कम हो जाता है। और जिन पुरुषों का या महिलाओं का वेट कम है, यदि आप कपालभाति करते हैं तो उनका वेट इंक्रीज हो जाता है। इस कपालभाति का सबसे बड़ा बेनिफिट्स यही है, जिनका वेट कम है उनका वेट संतुलन में आ जाता है और जिनका वेट ज़्यादा है उनका वेट धीरे धीरे करके कम हो जाता है, यानी कि लेवल में आ जाता है। तो इस तरीके से कपालभाति के आपने बेनिफिट्स सुने। कपालभाति को आप इसी टेक्निक के साथ अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलता है। 90% बीमारियों का इलाज कपालभाति से किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कपालभाति को अच्छे तरीके से करेंगे। एक बार फिर से लास्ट में आपको मैं जाने से पहले एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ किस स्पीड के साथ आपको ये करना है। 120 कर सकते हैं आप 1 मिनट में, इसी स्पीड से मेंटेन रखते हुए आप 15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास डेली कर सकते हैं। एक बार फिर से लास्ट में देख लीजिए किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपने कपालभाति का अभ्यास किया। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।